सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पिक्सआर्ट में एक पोर्ट्रेट एडिटिंग के बारे में। तो हम सीधा चलते हैं सबसे पहले पिक्सआर्ट पे। मैंने यहाँ पर फोटो इंपोर्ट कर रखी है। मेरे मतलब करने वाला हूँ, अभी नहीं कर देता हूँ, थोड़ी सी फोटो इंपोर्ट कर देता हूँ। कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ये है वो फोटो। तो हमें इसकी पोर्ट्रेट में एक फ़ोटो निकालनी है। सिंपल एक फ़ोटो है ये, आपको कुछ इस तरीके के पोज से फ़ोटो खिंचा लेनी है। उसके बाद हमारा सबसे पहला स्टेप इस एडिटिंग का है इफेक्ट वाले टूल में। बहुत सिंपल है, आप आराम से वीडियो को देख देखते सीख सकते हैं। देखिए, आप ऐसे साइड साइड में जाते रहेंगे तो आपको एक ब्लैक एंड वाइट ये वाला फ़िल्टर, ये फर्स्ट में जो है, यहाँ पर लाइन से चार पांच और हैं, लेकिन आपको उनमें से नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला क्लिक करने के बाद ऊपर इरेज़र के टूल में क्लिक करना। उसके बाद ये इरेज़र के ऑप्शन में जाना है, ये हार्डनेस को एकदम ज़ीरो कर देना, ओपेसिटी को 10 या 5 रख देना है, हाँ 5-6 ऐसी कुछ। उसके बाद हमें साइज़ थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ, फिर बस फेस में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बस ऐसे करके कर देना है। देखिए बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद ऊपर से डन कर देते हैं। तो हमारी फ़ोटो का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड स्टेप है ब्यूटीफाई ऑप्शन, ये जो नीचे रहता है। हमें देखो स्किन स्मूथ नहीं लग रही है, तो सबसे पहले स्किन स्मूथ वाले ऑप्शन में जाएंगे। स्मूथ जहाँ लिखा है आप आराम से फॉलो कर सकते हैं मेरे स्टेप्स को, कोई वो ऐसे नहीं। देखिए ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ज़्यादा रखूँगा तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको 25 के आसपास रख देता हूँ। 25 ठीक है, इतना 30 रखा मैंने। तो ऊपर से क्लिक करते हैं राइट पे। तो अब देखो आँखों का कलर भी हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हाई कलर का, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। वैसे हमें सबसे पहले ये वाली आँख का करना है कलर चेंज, तो हम सीधा आँख पे क्लिक करेंगे और ये और ब्लू कलर एक बार ट्राई करते हैं, ये वाला एकदम साइड बैठा के अच्छे से। ऊपर इरेजर के टूल में क्लिक करना, बस हार्डनेस थोड़ा सा कम, फिर बस वैसी ये वाली आँख के साथ ही वैसी, बस साइज बराबर रखना, इसका ध्यान रखना है। बस अब देखिए फोटो कितनी अच्छी लग रही है, कुछ फर्क पड़ गया फोटो में। और अभी हमें करना है हेयर का कलर चेंज। हेयर का कलर वैसे डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी होगा देख लेंगे। देखो थोड़ा बहुत हो गया, तो फिलहाल तो कोई कलर अच्छा नहीं दिख रहा हमें, तो छोड़ो, हम हेयर कलर छोड़ देते हैं। ऊपर से राइट क्लिक करना, तो आपकी आधी से ज़्यादा फ़ोटो कंप्लीट हो गई है। मतलब पिक्सआर्ट में बस इतना ही काम था। अगर आप चाहते हैं इसे लाइटरूम में एडिट करना तो वहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन मेन इतना ही था। इतने में फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है, तो अगर आप चाहते हैं इसी फ़ोटो को मैं लाइटरूम में भी एडिट करके दिखाऊँ या फिर इस टाइप की कोई फ़ोटो, तो आप कमेंट में बता देना, मैं कर दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर रहेगी। तो सिंपली हमें इसे HD में डाउनलोड करना है, तो ड्रॉ के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर 3 डॉट सेव इमेज, बस फोटो सेव हो गई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पहली वीडियो दी यार, कुछ तो सपोर्ट करोगे ना, ठीक है।